अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो था फाइंड पेपर लिक्ट से। आज की वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले जो है हम एक्सट्रैक्ट डेटा जो है वो फ्रॉम पीडीएफ्स उस पे आ जाते हैं और उसी को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपलोड पेपर्स का ऑप्शन होता है। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो हमारे पास डाउनलोडेड पेपर हैं हमारे लैपटॉप की या हमारे सिस्टम की ड्राइव में, वहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक पेपर है, ये वाला, मैंने इसको अपलोड कर लिया है, अपलोड पीडीएफ, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑलरेडी अपलोडेड है और मैं इसको जस्ट स्किप कर रहा हूँ यहीं पे। ये पेपर है जो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है ऐड यहाँ पे, वैसे ये अगेन भी ऐड हो गया है, तो हमने इसको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये पेपर था, इसने हमें रिजल्ट्स दे दिए, ये वाली विंडो ओपन हो जाती है और इस विंडो पे हमें ये पेपर का टाइटल दे रहा है, समरी दे रहा है, मेन फाइंडिंग्स दे रहा है। फर्दर हमें सेम जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये दूसरी चीज़ों के बारे में बता रहा है जी, आपने इस पेपर में जो मेथडोलॉजी यूज़ हुई है उसको पढ़ना है, इंटरवेंशन को पढ़ना है, लिमिटेशन को पढ़ना है, तो हम वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास पेपर जो है वो आप प्रीवियस डाउनलोडेड पढ़ा है और आप उसको समराइज करके इजी वे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लिक्ट को फिर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंसेप्ट जनरेट करने वाला। तो कंसेप्ट जनरेट में मैंने ये एक ऑलरेडी विंडो ओपन की हुई थी, तो लिस्ट ऑफ कंसेप्ट्स में हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने जस्ट वो एक ट्रायल के लिए जो है एचपीवी वैक्सीन लिखा था पहले। सपोज अब जो है हम गट माइक्रोबायोटा, इस पे जो है मैं चाहता हूँ जी मुझे कंसेप्ट मिल जाए ताकि मुझे रिसर्च करना आसान हो जाए। तो इन सिंपल वे जब हमने यहाँ पे लिख दिया है तो ये कुछ पेपर्स हमें सजेस्ट कर देगा, वो रिसर्च पेपर्स होंगे होपफुली, और या मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक रिव्यूज़ होंगे। रिव्यू पेपर्स को बहुत कम सजेस्ट करता है, तो इससे जो हमें ये पेपर सजेस्ट करेगा हम आसानी के साथ उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें ये हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेपर्स नहीं देता, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेपर्स देता है ये 50 तक देता है। लाइक इसमें भी इसने 50 दिए हैं और वो कह रहा है जी फाउंड 50 पेपर्स और उन 50 में से 15 में जो है ना वो कंसेप्ट है, और अब ये कह रहा है जी उसमें कुछ डुप्लीकेट भी हैं, कुछ के फाइनल आंसर्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, कुछ के बिल्कुल फाइनल आंसर्स होंगे, तो ये उसी हिसाब से उन सारी चीज़ों को अलाइन कर देता है। अब ये हमें जो है वो डिफरेंट इसने ये कंसेप्ट बता दिए हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम फर्दर जो है वो देख सकते हैं जी हमने किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कितना स्टडी गैप है, और वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम फर्दर इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं और इधर भी हम जो है सेम इसी तरह से ये पीडीएफ वाला कंटेंट है और वो कंसेप्ट वाला है जिससे हम जो है वो लिस्ट ऑफ कंसेप्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं अगेन एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ ताकि क्योंकि प्रीवियस ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन स्लो उसने कुछ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कम दिए थे। तो अब इसमें इसने जी रिजल्ट्स दिए हैं 26 और ये कह रहा है जी 34 कंसेप्ट्स हैं इनमें और 5 कंसेप्ट्स जो हैं वो यूनिक हैं। और अब जो यूनिक कंसेप्ट है जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो ये उसने उसको फ़ौरन चेंज कर दिया है हमारे रिजल्ट्स को। अगर हम फाइनल रिजल्ट्स को देखते हैं तो फिर रिजल्ट्स और चेंज हो गए। ये इसने सिर्फ 5 पेपर सजेस्ट किए हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स पे, और अगर हम टोटल पेपर देखते हैं तो ये सब पेपर इसने शो कर दिए हैं। तो ये इजी वे है टू फाइंड द कंसेप्ट, टू अलाइन द रिसर्च पाथवे कि हमने किस तरह से रिसर्च करनी है, हमें कहाँ पे स्टडी गैप मिल जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलिवेंट फील्ड में साइटेशंस प्रॉपर एग्जैक्ट ऐड करना हमारा राइटअप आसान कर देता है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस है कि अगर न्यू है या ओल्ड है अलिक्ट को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, होपफुली ये आप सबको हेल्प आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।